आज का मेन्यू हमारा है ग्रिल्ड चिकन विद हैलापीनो सॉल्ट, ठीक है, फ्लैटन किए हुए हैं। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने, इटालिया का गार्लिक पेस्ट, ओनली गार्लिक। वन टीस्पून सॉल्ट, वन टीस्पून ब्लैक पेपर, वन टीस्पून सॉल्ट एंड पेपर मिक्स्ड है ये इटालिया का, तो ये वन टीस्पून सोया सॉस, वन टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, वन टेबलस्पून ये हमारी चिकन ब्रेस्ट का मैरिनेशन है। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट को फ्लैटन किए हैं, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेके और उसको स्टेक हैमर से आप फ्लैटन कर लें। ठीक है, ये हमने मैरिनेट करके रख लिया। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस, हैलापीनो सॉस। प्लीज़ ये जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से आप लोग कह रहे हो ना सॉसेस का, डिप्स का वीक करा दो, तो आप देखो अलग अलग मैं कितनी सॉसेस करा चुकी हूँ पिछले 1-1.5 महीने में और करा ही रही हूँ। तो आप लोग ये सॉसेस और इसका एक अलग से कॉपी बना लो ना, और चीज़ें भी उसकी साथ की बनती हैं। ओके, अब हैलापीनो सॉस के लिए ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। अब आप देख लीजिए, सब में पहले हम इसमें बटर डालेंगे, लूर पाक का, हो जाएगा आराम से, बहुत टाइम है। यूरोपियन ब्रांड बटर लूर पाक बेहतरीन, हर जगह आपको आसानी से मिलता है। अगर आपके मुंह पे इसका, जबान पे एक दफा इसका टेस्ट लग गया ना, आपको कोई मक्खन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, सारी चीजें एक साथ डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने मक्खन, इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक क्रश्ड 1 टीस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, उसके बाद में हैलापीनोज, ये जो सिरके वाली मिर्चें आती हैं बॉटल में, हैलापीनोज डाल रही हूँ 2-3 टेबलस्पून स्लाइस्ड, ठीक है। उसके बाद में हरी प्याज 1 चॉप्ड, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दूध 1 कप, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा 1 टेबलस्पून भर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी है जानू, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि पिंडी बताऊं कि मैं पिंडी से कॉल कर रही हूँ। अल्लाह दिया है, देखें इसमें मैंने क्या क्या डाला, हैलापीनोज डाल दी चॉप, हरी प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया, मक्खन डाल दिया, मैदा डाल दिया, हाँ डाल दिया, दूध डाल दिया, सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया। अब मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी और पारमेजियन चीज़, ये पारमेजियन चीज़ है 2 टेबलस्पून, और इटालिया का चिकन पाउडर। अब हम अपने हाथ में विस्क लेंगे,
और विस से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कुक करना। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इटालिया का 2 टेबलस्पून पोमेस ऑलिव ऑयल, जिसमें हम अपने मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट को पैन फ्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें। ठीक है, ये हमारी सॉस हो गई है, हमारी चिकन ग्रिल हो गई है। थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के लिए। थोड़ी सी दूर हट रही हूँ बिकॉज बहुत उड़ रहा है, बहुत चिकना हो रहा है आज। मेरा वो भी हो गया है। You will love this, especially gratined potatoes के साथ। अच्छा, अगर चीज़ डालनी है तो आप इस वक्त चीज़ ऊपर डाल दें या सिज़लर में निकाल के ऊपर चीज़ डाल दें, वो मेल्ट हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोगों को चीज़ नहीं पसंद है, नहीं डालें।